ये 60 साल के पेशेंट मेरे पास रावलपिंडी से तशरीफ लाए थे। 1.5 साल से चलना फिरना इनका बंद हुआ हुआ था, क्योंकि इनका अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन फेल हो गया था। लोहा जो पहले लगा हुआ था हड्डी जोड़ने के लिए, वो हड्डी को फाड़ के बाहर आ गया था, क्योंकि हड्डी कमजोर भी थी इनकी। पुराने वाले लोहे को रिमूव किया जाता है, सारे स्क्रूज प्लेट्स और साथ में जो नेल निकल रहा है इसको निकालना जरूरी होता है। अंदर से सफाई करने के बाद मैंने इस पेशेंट का प्रॉक्सिमल फीमर रिप्लेसमेंट, यानी कि इसका कंप्लीट जोड़ के साथ साथ ऊपर की तकरीबन एक तिहाई टांग भी लोहे की लगाई थी। ऑपरेशन के तकरीबन कुछ 4 से 5 दिन के बाद इस पेशेंट ने चलना फिरना शुरू हो गया। ये तस्वीर ऑपरेशन के 2 हफ्ते बाद की है, जिसमें अब आपको ये पेशेंट वीडियो में चलता हुआ नजर आ रहा है। अमूमन पेशेंट का दर्द इस मौके पर खत्म हो चुका होता है और ये अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। अब आपको उल्टे हाथ पे प्री ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन से पहले के, और अब आपको इस स्क्रीन पे इस वक्त पोस्ट ऑपरेटिवली प्रॉक्सिमल फीमर रिप्लेसमेंट के एक्सरे नजर आ रहे हैं।